ये पूरा बटन दे पा दे दबाऊंगा बटन में या हाँ मना भरे जिकी तो रानी और बाकी राणा भरे पिंडे पानी। कांग्रेस पार्टी में सर उसी आज से थोड़ी है कांग्रेस को देंगे वोट भाई। कांग्रेस पे तो पायलट वाला चल रहा है तो पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया इस कारण आएगी नहीं कांग्रेस। अपने कार्यकाल का सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया, जनता के समर्थन में कोई कार्य नहीं किया है। तो 100% जो 7 गारंटियां दी है ना लागू करेगी। वही का पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है गाँव में। अगला मंदिरम छत काम पटाई रोडे भी कराई जाए सकड़ो काम कराए धर्म को काम करा रहे। एक बार फिर चुनावी नगरी निकली है अपने चुनावी सफर पर और इस सफर में हम आ पहुंचे हैं एक और नए विधानसभा क्षेत्र में जिसका नाम है फुलेरा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार अपनी स्पीड पकड़ता जा रहा है जहां 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के जोबनेर रोड पर जहां हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ कितना काम हुआ। सर क्या नाम है आपका? मोतीलाल चौधरी। अच्छा, पिछले 15 साल से यहाँ भाजपा का कार्यकाल रहा है, क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ है 15 साल में, कोई विकास नहीं हुआ, कोई एक कुछ दो चार काम कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी आप फिर किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को देंगे, विद्याधर जी को। क्यों कांग्रेस को देने का कारण? जिस दिन ने आरे एक ने भी काम किया है। क्या काम करवाया, गिनाए एक दो? हाल में पब्लिक के साथ दिए इन्होंने और जगह जगह हॉस्पिटलों में हर चीज की सुविधा करवाई है इन्होंने। सर आपका क्या नाम है? रामदयाल। अच्छा सर, आप बताइए कि यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं उनसे संतुष्ट हैं आप? कोई संतुष्ट होना काम से नहीं है संतुष्ट? क्यों? वही नहीं काम, पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है गाँव में। सर 15 साल तो बहुत होते हैं किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए। पानी कौन पूछे, कोई रोड ही कौन पूछी, मांगने में कहा ना बेटा थोड़ी में गांव का 12 का अड़ा का होने में सिटी का होने में। तो फिर किसको वोट करोगे? अब कर लेना मैं किसी वाली जी ने वोट, तो काम करने वालों को वोट देंगे हम तो। तो यहाँ पे जो कांग्रेस से जो है वो विधायक वो जो कैंडिडेट है उन्होंने वो काम करवाएंगे जो होगा जो वोट हम जो काम करने वाले को देंगे हर किसी को देंगे। सर आपका क्या नाम है? अशोक दमानिया। आप बताइए कि यहाँ पे भाजपा के गढ़ में क्या काम हुआ है? भाजपा के गढ़ में पिछले 15 साल में विशेष कोई काम नहीं हुआ है, रोजगार वैसे की वैसी स्थिति बनी है। आज भी नहीं कोई पानी की व्यवस्था है, नहीं अच्छी सड़कों की व्यवस्था है। अपने कार्यकाल का सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया, जनता के समर्थन में कोई कार्य नहीं किया है। क्या चाहती है इस बार फुलेरा की जनता? फुलेरा की जनता चाहती है कि विद्याधर जी को भी एक बार ऐसा मौका दिया जाए जो जनता के बीच में बराबर 5 साल से रेगुलर बने हुए हैं और आगे भी आगामी 5 साल के लिए वो साथ बने रहेंगे। तो जनता यही चाहती है कि एक बार उनसे आप किन कामों की उम्मीद करते हैं? हम उनसे जिन कामों की उम्मीद करते हैं कि विशेष यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ, इसके अलावा नहीं तो मूल रूप से कोई साधन है यहाँ पे नहीं अच्छा कोई, मतलब रोजगार का पूरा मतलब विशेष जो ध्यान देने योग्य है। सबसे मेन मुद्दा है हमारा रोजगार का, तो रोजगार के लिए यहाँ पे मतलब 200-500 आदमी रोज यहाँ भटक कर जाते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। मूलभूत सुविधाओं में यहाँ किसी प्रकार दिलाया कि यहाँ किसी न किसी फैक्ट्री वगैरह को स्थापित किया जाएगा और जो अपने यहाँ लोकल जो मजदूर हैं उनको विशेष रूप से मतलब मजदूरी का आश्वासन भी दिलाया गया है। यहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधाओं में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ 15 साल से, किसी तरह का विकास के नाम पे अगर कोई कार्य को गिनाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। और आपको भी ऐसा लगता होगा कि फुलेरा जिले मतलब जिले की तादाद में जहाँ अपन खड़े हैं उसको ग्रामीण का दर्जा दिया जा रहा है, आज भी कहीं जाते हैं तो फुलेरा का कोई नामो निशान नहीं है। आने वाले समय में आप जिस भी पार्टी का विधायक आएगा उनसे किन कामों की उम्मीद करते हैं? किन कामों की उम्मीद करते हैं कि सबसे पहला रोजगार होना चाहिए हमारे यहाँ, अच्छी मूलभूत सुविधाएं मतलब रोड होनी चाहिए, पानी होना चाहिए और बिजली पर्याप्त रूप से हर घर तक पहुँचनी चाहिए, जबकि आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। और जिस समस्या को अगर लेकर चल रहे हैं विद्याधर जी तो ये सबसे मेन मुद्दा है। क्या नाम है सर? किशन लाल प्रजापत। अच्छा, फुलेरा में किन किन क्या मुख्य क्या जो मुद्दे हैं मुखर है? देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी, इसलिए सभी काम पहले से भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसलिए निश्चिंत कैसे आपकी इस बार भाजपा आएगी यहाँ पर? जब मोदी है तो निश्चिंत ही रहना पड़ेगा। मोदी के फेस पे निश्चिंत है? मोदी क्यों, जो नेतृत्व काम कर रहा है, कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसके सभी से प्रयास से होगा। उनके कामों से संतुष्ट है आप? संतुष्ट है जरूर। आपका क्या नाम है? रंगलाल। क्या लगता है आप एमएलए के रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आओ लीडर। क्यों बीजेपी? वो आदमी सड़ी हो जाए, अटा को काम कर जाए, लोकल रहे जो अठाई उत्तर मिल लीजिए
ही वास्ते कहीं जाओ। क्या क्या विकास कार्य करवाए बीजेपी ने? सभी करवाए जी विकास कार्य, जैसे एक दो काम के नहीं है? जब तक रोड़ा फोड़ा सब करवाए जी, पानी पानी का रोड़ा का सब काम करवाए। क्या नाम है आपका? गोर्धन जी, बताइए कि यहाँ पे क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बैठ रहा है? देखो बीजेपी का ही बैठ रहा है, बीजेपी का ही बैठ रहा है। ऐसा क्यों? अगला मंदिरम छत काम पटाई है, रोडे भी कराई है, सकलो काम कराए, धर्म को काम करा रहे। धर्म का भी कराया है तो उनके कामों से संतुष्ट है आप? संतुष्ट। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? फुलेरा का तो मैडम मेरे को ध्यान नहीं है, मैं बूंदी जिला का हूँ, तो बूंदी की पूछ सकते हो। जहाँ के हो वहीं का बता। बूंदी में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी क्यों? वहाँ क्या है, एक तो ये मेट्रो पायलट वाला चल रहा है भाई, कांग्रेस पे तो पायलट वाला चल रहा है, तो पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस कारण आएगी नहीं कांग्रेस, इस कारण से बीजेपी ही आएगी। आपका क्या नाम है? गणेश चंद। आप यहीं से हो तो आप बताओ, यहाँ पे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में एमएलए को कितने नंबर देते हो? फर्स्ट नंबर मैडम। 10 में से पूरे 10 देते हो? एमएलए 3 बार एमएलए बन चुके हैं हमारे। 3 बार तो बने हैं, पर 3 बार बने तो उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए मैडम? काम तो जैसे और ब्रिज, नया ब्रिज बना दिया, सड़कें वगैरह बनवा दी, और भी विकास है, वो दोबारा सीट पे आएंगे तो करवाएंगे। क्या नाम है आपका? किसको वोट दोगे? क्यों कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस ने ये जो एक तो चिरंजीवी योजना लाई है जो गरीबों तक पहुंची है, आज एक्सीडेंटल जो बीमा है 10 लाख का वो है, आज लंपी बीमारी आई तो उसके अंदर 40-40 हज़ार रुपये मिले हैं, किसानों को मतलब घरेलू बिजली फ्री मिल रही है, खेती की जो बिजली है वो फ्री मिल रही है किसानों को, सारी योजनाओं का लाभ मिला है, वो धरातल तक पूछा है। और कांग्रेस देंगे, बस कांग्रेस को वोट देता है, कांग्रेस को देंगे। और ऐसा क्यों कि कांग्रेस को देते हो तो कांग्रेस को ही दोगे? पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में सर उसी आज से थोड़ी है, कांग्रेस को देंगे वोट। आपका क्या नाम है? मदन लाल जाट। आप किसको वोट दोगे? विकास को वोट करेंगे। क्यों? पार्टी ने जनहित में जो भी स्कीमें लाई है, जैसे चिरंजीवी योजना है, स्वास्थ्य बीमा है, काफ़ी जो 7 गारंटियां हैं, तो जो सरकार की घोषणाएं हैं जो जनता को मद्देनजर रख के धरातल पे, 7 गारंटियां कागजी तौर पे तो उतार दी, धरातल पे उतार देगी? उतार देगी 100%। अगर रिपीट होगी गवर्नमेंट कांग्रेस तो 100% जो 7 गारंटियां दी है ना लागू करेगी, गहलोत सरकार बैठो तो दोबारा उसको लागू ही करेगी डेफिनेट। आपका क्या नाम है? मेहमान। आप बताओ यहाँ पे जो भी विकास कार्य हुए हैं संतुष्ट हुए हैं आप, और आने वाले समय में किन कार्य की उम्मीद करते हैं? आगे की तो सब मेलो कांग्रेस के स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, पानी की बिजली करेगी, हम तो कांग्रेस जो भी है 7 साल से कांग्रेस दे रहे हैं, कोई आओ जाए मत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है। अच्छा, क्या लगता है इस बार भाजपा के गढ़ में कांग्रेस बाजी मार जाएगी या फिर से भाजपा ही अपना परचम लहराएगी? भाजपा ही ले जाएगी सर। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि मतलब मोदी है ना आगे, मोदी है तो आगे, इसीलिए। और यहाँ पे क्या क्या काम क्या क्या हुए हैं? काम सारे हुए हैं वैसे तो, लेकिन अब जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, गैस सिलेंडर वगैरह वो 500 रुपये मिलने वाला वो नहीं मिला, 100 यूनिट बिजली फ्री थी वो नहीं मिली हमें, यही काम हुआ हमारा, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रजमन। क्या लगता है इस बार यहाँ क्या समीकरण बैठ रहे हैं किस पार्टी के? कांग्रेस के विद्याधर सिंह चौधरी। अच्छा, कैसे उनके कैसे बैठ रहे हैं? उनके ऐसे बैठ रहे हैं कि उनका माहौल अच्छा है और उसने 5 साल रह के जनता के साथ में जुड़े रहे। अच्छा, जुड़े रहे और विधायक नहीं होने के बावजूद भी काम करवाया है, क्या काम करवाया है? रोडे बनवाई है और जनता को कोरोना काल में भी सहयोग किया है और हर बात मतलब सबकी मदद की। क्या नाम है आपका? बताइए यहाँ पर कि मेडिकल फैसिलिटीज चिकित्सा को लेकर क्या कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? हुआ है, शानदार हॉस्पिटल में बन गया ना, यहाँ ये गली में पड़ा था ये हॉस्पिटल, कितना बढ़िया हॉस्पिटल बन रखा है, ये बीजेपी की तो देन है ना। आपका क्या नाम है? तो यहाँ बताइए कि फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो बहुत हुए हैं, और जैसे एक दो गिनाइए। रोडे बन गई और इधर से रोडे बना दी और अस्पताल बना दिया, और
आप बताइए किसको वोट करेंगे इस बार? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को क्यों? ऑलरेडी मैं विधानसभा क्षेत्र टोडा रायसिंह वालपुरा है, या नहीं है मेरा विधानसभा क्षेत्र। अजी बाबू सा क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम गंगाराम साहब। अच्छा, बताए यहाँ पर फुलेरा में क्या जनता को राहत मिली है? हाँ, खूब मिल रही साहब। अच्छा, कैसे, क्या क्या काम हुए? देखो सड़क निकल गई। अच्छा। और गाय बेचने लो इंदिरा दूध पीवा भी। अच्छा, अच्छा। घर लुगाया ने पेंशन दे रहे थे। हमारी लुगाई तो खूब राजी हो रही थी कार। बहुत खुश है। हाँ, और सब में पूरा परिवार गूं खा रहा था। देखो मारा आबादी बहुत मीठी और मारा बाप दादा रहता है जे 100 साल के बारह पूजो पूरा गांव का तो साहब मारा कहने जमीन खाली करा ली मान को रेवा की व्यवस्था है कौन है। अच्छा, व्यवस्था नहीं तो सरकार से इस बारे में क्या कहना चाहोगे फिर, क्या गुहार लगाना चाहोगे? सरकार ने मैं कहे वो चाह रही हूँ भाई मन खे तो मारी जमीन दियो पाची और कह नहीं मारो उठो पत्तो काट दियो भाई। कोई भी जो सरकार उपाय छे ना भी सरकार के तहत या तो उठू मारो पत्तो काट दियो और खे मन रे भाई मैं मारी बोम दियो। तो क्या उम्मीद है सरकार से, दे देगी या? सरकार से मन तो साहब उम्मीद ये छे भाई सरकार रह जाओ ना दे दे रखा बल दे दे और नहीं दे तो को भी देने साहब भाई माँ के साथ बेटा जल में सगला थोड़ी बहुत जिंदा रहे चे कोई राम जी भी चल जाओ छे। वोट देखो साहब वोट तो माँ की बात है माँ का थोड़ा 2-3 पार्टियाँ चल रही है चूंकि देखो बढ़ाई तो देला बढ़ाई नहीं। नहीं, आप किसको दोगे? मैं मारी देखो साहब माँ देखे कौन सी आपकी तो आप ही बताओगे और कौन बताएगा? अब देती बहुत बैठे था बड़े कौन देना मतलब देऊं जब देने जाओगे जब ही पता चलेगा उसी टाइम में भाई अब कौन क्या जा रही हो चो फिर भी कौन सा बटन दबाओगे? अरे भगवान मतलब पता ही कौन भी बटन देख रही भी पूरा बटन देख पास दबाऊंगा बटन में या अजी मन तो निर्मल तो किया तो निर्मल तो यहाँ कियो कि भाई खाली कौन हुए और दूसरा किया के भाई बात तो खाली होली ठीक है भाई निर्मल जी महाराज विद्याधीन जी भाई साहब ने किया विद्याधीन जी भाई साहब यहाँ क्या भाई वो तो सरपंच को काम कौन है वो तो तहसीलदार जी को काम छे जे मैं क्यों रहे यार विद्याधीन जी भाई साहब तहसीलदार जी कहा तहसीलदार की तो भूमि किसी से कास्ट की भूमि छे मैं तो आबादी भूमि छे यार ये मत कर दादा तो साहब दो बात कर और मारो सुन रहा है सुनकर आ गए बस साहब मतलब निर्मल जी को तो नहीं दोगे ये बात तो तय है। हाँ मैं तो बात दोनों नहीं कौन दू दोनों को नहीं दोगे ये बात तय है ठीक है ना और आजादी काटा फिर किसी तीसरे मोर्चे को दोगे? हाँ, देखो तीसरा मोर्चा ठीक है साहब अब तीसरा मारो कसार मन दुख है कि जे कोई ने बैंगन बाहर डाल कोई ने बैंगन पची जे कोई ना हो आप रहो कोई ना हो रसी है गणित जगह से वोट देवानी भी फिर दूसरी है कि के मना ब्रज की तो रानी जगह तो बहुत है कैंडिडेट भी है लेकिन फिर भी एक कोई तो होगा मन में कोई तो दिमाग में चल रहा होगा ना कह रहे हो भाई हाल में दिमाग से भटक गया पाजा मारो दिल खुले लो पूरो है ना भाई मना ब्रज की तो रानी है हां मना भरे जकी तो रानी और बाकी राणा भरे प्रिंडे पानी चाहे बात रंग की काली हुए बिके मना भर जाओ ना राजा के बा रानी छे हां वो है रानी तो बड़ी जगह मत जाऊंगा माना मना पर जा दो ने जकीजे साहब बात। आपका क्या नाम है बाबू साहब? लाल। अच्छा, आप बताओ यहाँ क्या जनता के सपने पूरे हुए हैं वो जो चाहते थे वो काम हुए? हाँ खूब हुआ खूब हुआ। जैसे एकाध काम गिना दो बस। हाँ यहाँ रोड निकल गई और कई जो जो ब्लॉक जमा दिया चौका के मायने बहुत काम हुआ जमा के कोई कमी को नहीं काम की कोई कमी नहीं है सारे काम हुए पानी पानी थोड़ा कम आ रही है और कोई बस पानी की समस्या है और कहीं कोई। तो आज हमने फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में जनता से जनता के रुझान जाने जनता के विचार जाने चुनावी मुद्दों पर चर्चा की चुनावी समीकरण जाने लेकिन सत्ता का ताज किस पार्टी के सर पर सजेगा किस पार्टी का विधायक सत्ता का सहरा पहनेगा इन सब का फैसला तो जनता ही करेगी क्योंकि जनता जो है चुनावी मुद्दों को ध्यान में देखते हुए वोट करती है क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए वोट करती है। द नगरी न्यूज़ के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में फुलेरा से फिलहाल इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में तब तक के लिए नमस्कार।